ठीक है बच्चों, अभी हम लोग जेई मेंस में आए हुए पैराबोला के क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। जैसे आपके पास है क्वेश्चन नंबर 11, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वैसे काफी स्कोरिंग होती है। तो जैसे ये जो क्वेश्चंस आप देख रहे हैं, ये क्वेश्चंस ऑलरेडी डिफरेंट एग्जाम्स में भी आते हैं। जब जेई मेंस में आ जाते हैं तो डिफरेंट एग्जाम्स में भी आते हैं। तो बच्चों, एक एग्जाम होता है स्पेशली IIIT हैदराबाद का, वो अपना एग्जाम एकदम अलग कंडक्ट कराता है। तो उसमें जो जेई मेंस के पहले क्वेश्चंस हो चुके होते हैं वही वो पूछता है दोबारा। तो यहाँ पर है, द लोकस ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द फैमिली ऑफ पैराबोला इज। बच्चों, इस पैराबोला की इक्वेशन देखो, देख करके लोग कंफ्यूज होते हैं, लेकिन है ये पैराबोला की इक्वेशन जिसमें ए कांस्टेंट होता है, लेकिन यहाँ पे आपसे लोकस पूछा जा रहा है किसका, वर्टिसेस का। तो ये पैराबोला की इक्वेशन को पहले आप स्टैंडर्ड पैराबोला की इक्वेशन में कन्वर्ट कर लीजिए, फिर आप उसका वर्टेक्स निकाल लीजिए, फिर वर्टेक्स के एक्स कोऑर्डिनेट को एच लेट कर लीजिए, वर्टेक्स के वाई कोऑर्डिनेट को के लेट कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पे जो पैरामीटर है ए को एलिमिनेट कर दीजिए, आपके पास एच और के में रिलेशन बन जाएगा, वही लोकस होगा वर्टेक्स, वर्टिसेस ऑफ फैमिली ऑफ पैराबोला का। तो बच्चों, इसमें करना कुछ नहीं होता है कि आप तो ये पहले से ही जानते हैं कि किसी भी इक्वेशन को स्टैंडर्ड इक्वेशन में कन्वर्ट करने के लिए हमें परफेक्ट स्क्वायर बनाने की नीड पड़ती है। तो परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए आपको कौन से स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे, वो सारे स्टेप्स मैंने आपको लिख दिए। तो सबसे पहले आप हाईएस्ट डिग्री यानी कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बनाते हैं। 1 बनाने के बाद उसको परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करते हैं। परफेक्ट स्क्वायर में जब बच्चों आप कन्वर्ट करेंगे तो आपके पास ये इक्वेशन बन करके आएगी, ये है आपकी फाइनल इक्वेशन। इस इक्वेशन को आपको देखेंगे तो आपको एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay का कॉन्सेप्ट याद आएगा। लेकिन बच्चों, हमें तो सिर्फ वर्टेक्स से लेना देना है इस क्वेश्चन में, तो हम ज्यादा कुछ नहीं करेंगे, हम सीधा इसके वर्टेक्स निकालेंगे। तो बच्चों, जो स्टैंडर्ड पैराबोला होता है उसके वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट होते हैं 0,0, होता है ना। ये कौन सा पैराबोला है, ये एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay है। तो बच्चों, इसके भी वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, 0,0 होंगे। तो हम क्या करते हैं, कैपिटल एक्स को भी 0 कर देते हैं, कैपिटल वाई को भी 0 कर देते हैं। जब हम ऐसा करेंगे तो हमारे पास वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे, ये बच्चों वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट निकल के आ गए। इसके बाद इसको हमें लोकस में कन्वर्ट करना है, फैमिली निकालनी है। तो हम वर्टेक्स का लोकस निकालने के लिए इसको एच मान लेंगे और इसको के मान लेंगे। उसके बाद आपको पैरामीटर दिखेगा ए को एलिमिनेट करने के लिए, आप चाहे किसी एक इक्वेशन से ए को निकाल के किसी दूसरी इक्वेशन में ए को पुट करिए, या आपको डायरेक्टली दिखेगा कि आप दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास एच के में रिलेशन बन जाएगा। लास्ट में एच को एक्स कर देंगे, के को वाई कर देंगे, आपके पास फैमिली आ जाएगी। तो बच्चों, इस तरह से अनप्रेडिक्टेबल फैमिलीज आपको बहुत सारी और भी दिखाई दे सकती हैं। लोकस तो वैसे ही निकालते हैं जैसे निकालना होता है। ठीक है बच्चों, मेरे ख्याल से आप लोग को ये क्वेश्चन क्लियर है।